तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना से निपटने की तैयारी की जा रही है। आज देश भर के अस्पतालों में मॉकड्रिल का आयोजन होगा, जिसमें ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर समेत स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल की जाएगी। दो दिनों के मॉकड्रिल से तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जेपी अस्पताल जाएंगे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमीदिया अस्पताल जाएंगे। मंत्री विश्वास सारंग मॉकड्रिल का निरीक्षण करेंगे। तो केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश भर में मॉकड्रिल होगी, जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के जिस तरह से मामले आ रहे हैं, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सभी अस्पतालों में मॉकड्रिल की जाएगी। तो ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की तैयारियां देखी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जेपी अस्पताल जाएंगे, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमीदिया अस्पताल जाएंगे। तो वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की करें, तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। 11 और 12 अप्रैल को यहां पर मॉकड्रिल कराया जाएगा। 11, 12 और 13 अप्रैल को सीएमएचओ की एक बड़ी बैठक भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक भी होगी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। 11 और 12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में मॉकड्रिल कराया जाएगा। 11, 12 और 13 को सीएमएचओ की एक बैठक भी होगी, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं और कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम भोपाल का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं रायपुर से हमारे साथ सबसे पहले सूरज आपसे जानना चाहेंगे, मॉकड्रिल को लेकर पूरे देश भर में आज आयोजन होना है, मध्य प्रदेश में किस तरह से इसका आयोजन होगा और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? बिल्कुल दिनेश, हम देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यही कारण है कि सरकार अलर्ट मोड पर है। इसके चलते आज पूरे प्रदेश में मॉकड्रिल की जा रही है। और जहां पर मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं ये वो डॉक्टर्स की टीम है, जो स्टाफ की टीम है, जो तैयार है मॉकड्रिल के लिए। ये डेडिकेटेड एम्बुलेंस है और ये वो स्टाफ है जो यदि कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको कैसे वहां से रेस्क्यू करके यानी लेके आना है सुरक्षित और हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। तो ये वही उनका ड्रेस है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो पूरी तैयार है, मास्क के साथ फोन अपना चश्मा लगाए हुए हैं, ड्रेस पहने, उनसे बात भी करेंगे। आप लोग मरीज को घर से हॉस्पिटल तक लेकर आते हैं तो क्या प्रिकॉशन बरतते हैं और किस तरीके से तैयार रहते हैं? सर, हम जब पेशेंट जैसे ही आता है उसको तुरंत स्ट्रेचर पर लेते हैं, स्ट्रेचर के बाद उसको सर सीएमओ साहब के पास ले जाते हैं। सीएमओ साहब जहाँ हमें लिख के देते हैं फिर हम उसको वहाँ ले जाके ऊपर ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका। उसके बाद वहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद जैसे उनको अगर भर्ती का बोला जाता है तो उनको हम भर्ती के लिए न्यू बिल्डिंग हॉस्पिटल बंद में ले आते हैं, फिर उसको वहाँ एडमिट करने के बाद वापस हम नहीं ले जाते हैं। दूसरा दिनेश, ये वो डेडिकेटेड एम्बुलेंस है और डॉक्टर्स का स्टाफ है, जो आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर किस तरीके से एप्रन पहने हुए है, और ताकि कोई व्यवस्था गड़बड़ी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना फैले, इसको लेकर भी ऐसी व्यवस्था है। खासतौर से स्ट्रेचर की व्यवस्था भारी है कि जैसे ही कोई मरीज यदि गंभीर होता है, नॉर्मल होता है, तो उसको कैसे लेकर आना है। देख सकते हैं पूरा जो तैयारी है प्रिकॉशनली वैसे है। और ये वार्ड है जहाँ पर खासतौर से आप देख सकते हैं स्टाफ भी, तमाम जो स्टाफ है वो मास्क लगाए हुए है ताकि संक्रमण भी ना फैले, क्योंकि मॉक ड्रिल का मतलब यही है कि डेडिकेटेड यदि वार्ड बनता है तो उसमें कोई भी प्रकार की चूक ना हो। तमाम जो लोग हैं वो मास्क पहने, और लोग को अवेयर भी किया जा रहा है कि ये गार्ड है, कि लोग को कह रहे हैं कि मास्क पहनकर ही आप अंदर जाइए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये वो तैयारियां हैं, आज मॉकड्रिल की जाएगी। खासतौर से एम्बुलेंस कैसे मरीज को घर से हॉस्पिटल लेकर आती है, हॉस्पिटल में कैसे तत्काल उसका इलाज होता है, कहाँ उसको भर्ती करना है, तो तमाम हर एक बारीक पहलू को लेकर मॉकड्रिल की जा रही है ताकि आने वाले समय में यदि ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं तो तत्काल उस मरीज को घर से हॉस्पिटल लेकर आया जाए और हॉस्पिटल में बेहतर कैसे इलाज हो उसको लेकर तमाम तैयारी। देखिए तमाम जो लोग हैं वो मास्क पहनकर भी अंदर जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं। कुछ देर बाद ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे, मॉकड्रिल में हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार हम नहीं चाहती किसी प्रकार की लापरवाही हो,
यही कार है कि मॉक ड्रिल के माध्यम से बिल्कुल। और सूरज जिस तरह से जो बीता एक दौर रहा है और बीता जो कोरोना का एक भयावह दौर सबने देखा है, उससे शिक्षा लेने की भी आवश्यकता है और जिस तरह से जो तैयारियां की जा रही हैं वास्तविकता उनसे लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। चलिए गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल है, मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं छत्तीसगढ़ में कोरोना की बात करूं तो अब छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति भयावह होते जा रही है। प्रदेश में कुल 466 एक्टिव मरीज हैं और यदि हम पॉजिटिविटी दर की बात करें कोरोना की तो 5.31% पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े चिंता का विषय है और इसे लेकर लगातार स्वास्थ्य अमला जो है वो अलर्ट मोड पर है, ऐसा खुद स्वास्थ्य विभाग का कहना है। उनका कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी है, चाहे बेड की बात कर लें या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की या फिर जो व्यवस्था बाकी होती है बेड के उसके साथ साथ, उन व्यवस्थाएं पूरी है। और यदि हम मॉक ड्रिल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कल यानी 11 और परसों यानी 12 अप्रैल को 2 दिन तक मॉक ड्रिल होगा और इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिम्मेदार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ठीक कुछ महीने पहले एक मॉक ड्रिल और हुआ था इसी तरीके का पूरे प्रदेश में, जिसमें खुद टीएससी देव वर्चुअली जुड़े थे उस मॉक ड्रिल में और पूरी मॉक ड्रिल के व्यवस्थाओं को देखी थी। जो वहां पर के स्टाफ थे वो बाकायदा और डॉक्टर थे वो बाकायदा पीपी किट पहनकर और उसके साथ ही साथ मास्क और हैंड ग्लव्स के साथ ही साथ जो चश्मा है वो लगाकर जो मरीज है उसका मॉक ड्रिल करते नजर आए थे। बाकायदा उसे एम्बुलेंस से उतारा गया था और एम्बुलेंस से उतारते ही उसके पहले प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद एंट्री करने के बाद उसे वार्ड में ले गया गया था। ठीक उसी तरीके का प्रोसेस जो है वो कल और परसों जो है वो 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और तमाम जिलों में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ कल 11, 12 और 13 को जो है स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी है कोरोना को लेकर, जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद रहेंगे और उसमें तमाम सीएमएचओस के साथ ही साथ जो जिम्मेदार है स्वास्थ्य विभाग के वो मौजूद रहेंगे और स्वास्थ्य जो कोरोना के बढ़ते मरीज हैं बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसकी समीक्षा भी की जाएगी, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगहों पर अगर बात करें कोरोना को लेकर तो अलर्ट पूरी तरह से जारी है और तैयारियां भी व्यापक स्तर पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए।